हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि विंटर आ गया है, तो विंटर में हमें गरम गरम खाने का और गरम गरम कुछ पीने का बहुत मन करता है। तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ में गर्मा गर्म सूप की रेसिपी शेयर करूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टिंग। सो सबसे पहले हमें चाहिए चिली बारीक चॉप किया हुआ। देन नेक्स्ट है हमारे पास बारीक चॉप किया हुआ गाजर। नेक्स्ट अनियन, गार्लिक, देन चॉप्ड जिंजर और ये रहा कॉर्न स्टार्च, दो बड़े स्पून। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल, ऑलिव ऑयल दो बड़े चम्मच। देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं गार्लिक चॉप की हुई बारीक। मेक श्योर कि हमारा जो गार्लिक है वो रेड नहीं होना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप जिंजर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे अनियन। आप इसमें जो भी आपको वेजेस ऐड करना आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड मशरूम, यू कैन ऐड कैप्सिकम। नेक्स्ट वी विल ऐड कैरेट। देन वी विल ऐड सम सॉल्ट। ज्यादा नहीं ऐड करेंगे जस्ट बिकॉज सारे सॉसेस में हमारे सॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट वी विल ऐड सोया सॉस 2 टेबल स्पून। ग्रीन चिली सॉस। नेक्स्ट वी विल ऐड रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून। विनेगर, इसे एक बार हम चला लेंगे, फ्लेम को स्लो रखेंगे। गाइज अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप पैकेट वाला जो सॉस है वो भूल जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑनेस्टली ये बहुत यमी होता है। नेक्स्ट वी विल ऐड 1 टेबल स्पून शेजवान चटनी। ये हमारा रेडी हो चुका है। ज्यादा इसे कुक नहीं करना है बिकॉज ओवर कुक भी अच्छा नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। नेक्स्ट वी विल ऐड वाटर। डोंट वरी अगर ये वाटर डालने के बाद बहुत पतला हो गया। सो हमें इसे एक बार थोड़ा सा बॉईल आ जाने तक रुकना है। देन वी विल ऐड कॉर्न स्टार्च। सो ये हमारा कॉर्न स्टार्च है, इसमें हम ऐड करेंगे वाटर ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए। तो इसमें ऐड करेंगे अब कॉर्न स्टार्च। यू कैन सी हियर हमारी जो ग्रेवी है वो डालते इंस्टेंट थिक होने लग गई है। सूप एक ऐसी चीज है जो हम लोग होटल जाते सबसे पहले ऑर्डर करते हैं। सो नो नीड टू ऑर्डर, घर पर बनाइए और कुछ दिनों के लिए घर पर ही खाइए। सो गाइस ये हमारा बॉइल डाल चुका है अच्छे तरीके से। यू कैन सी दिस कितना अमेजिंग लग रहा है ये और बहुत ही यम्मी लग रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म परोस देंगे। बाउल में से निकाल लिया है, ऊपर से हम थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे सम ड्राई नूडल्स, इसके बिना तो हमारा सूप कंप्लीट नहीं होता है। सो ये रहा हमारा सूप जो कि रेडी हो चुका है और बहुत ही यम्मी लुक दे रहा है। यू कैन सी हियर। ये जो हमारा यम्मी सा सूप है ये रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए,
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।